तो गाइस हाल फिलहाल में सेथ रॉलिंस की राइवलरी हमारे शिंशु के नाकामुरा के साथ चल रही है। और गाइस यहाँ पर एक थोड़ा ट्विस्ट देखने को मिल रहा है, क्योंकि गाइस हमारे सेथ रॉलिंस है ना एक स्पाइनल इंजरी से उभर रहे थे, और गाइस 4-5 साल पहले उनको ये इंजरी हुई थी। और गाइस इसको स्टोरी लाइन में भी मैंशन किया गया है, मतलब WWE हमें ये दिखाना चाहती है कि गाइस हमारे वो है ना सेथ रॉलिंस है वो एक इंजर्ड है और वो इस तरीके से हार भी सकते हैं अपने टाइटल पर। गाइस ये तो बिल्कुल कन्फर्म हमारे सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस ही जीतने वाले हैं पेबैक में। और गाइस इनको जब भी मैच होगा सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस ही जीतेंगे अभी हाल फिलहाल में, क्योंकि गाइस सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस रहने वाले सर्वाइवर सीरीज में चैंपियन, और चैंपियन वर्सेस चैंपियन वाला मैच होगा सर्वाइवर सीरीज में हमारे रोमन रेंस वर्सेस हमारे सेथ रॉलिंस का। तो गाइस ये देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि हमारे सेथ रॉलिंस किस तरीके से जीतते हैं या शिंशु को नाकाम हो रहा है। और गाइस हाल फिलहाल में हमारे बात करते हैं हमारे फिन बैलर की, तो गाइस फिन बैलर की राइवलरी अभी हाल फिलहाल में तो कुछ ऐसी चल नहीं रही है, पर सुनने में आ रहा है कि कोडी रोड्स वर्सेस फिन बैलर का मैच होने वाला है हमारे अगले पेपर व्यू में, क्योंकि गाइस इन दोनों का थोड़ा चल रहा है अभी तो हमारे रॉ पर, और देखने को मिल रहा है इन दोनों की अभी टीमों का मैच भी हुआ था। और गाइस देखना यहाँ पर आपको ना इंटरेस्टिंग होगा कि जजमेंट डे कब टूटती है, क्योंकि जजमेंट डे का अभी हाल फिलहाल में कुछ सुनने में नहीं आ रहा है। तो गाइस बीच में 2-3 बार ऐसा इशू आए थे जिस पे लग रहा था जजमेंट डे पूरी तरीके से टूट जाएगी, पर देखना इंटरेस्टिंग होगा कब जजमेंट डे टूटेगी। तो गाइस आज का आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल रसल अल्टीमेट पर।